can have some water. My friends are smiling, but they are also scared. एक युवा को अभिमन्यु को छह लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर वो भी लोटस की शेप में है सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया। सर अभिमन्यु को छह लोगों ने मारा था, सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में छह लोग हैं। तो जैसे उस टाइम छह लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी छह लोग कंट्रोल कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, थैंक यू स्पीकर सर फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक ऑन द बजट 2024 बजट 2024 इन माय लास्ट स्पीच आई स्पोक अबाउट सम कॉन्सेप्ट्स रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स शिवजीज कॉन्सेप्ट of ahimsa, the fact that the trishul is placed behind the back and is not held in the hand. I spoke about the snake on Shivji's neck, and I also said how all religions in our country propose the idea of non-violence and can be encapsulated in the phrase daro mat darao mat. And I also said that there is an idea beyond the personal, the idea of the Abhay Mudra, that transmits this notion of ahimsa and affection and fearlessness to everybody else. Speaker sir, as I said in my speech, there is an atmosphere of fear. Dar ka mahol hai Hindustan mein. And that fear has pervaded every aspect of our country. My friends are smiling, but they are also scared. They are scared. Sir, main aa raha hu sir. Budget hai sir, budget pe hi bol raha hu sir. Sir, you see the problem is sir in the BJP only one man is allowed to dream to be prime minister. If the defense minister decides he wants to be prime minister, there is a big problem, there is fear. So this fear has been spread throughout the country, and the question I was asking myself was, why is this fear spreading so deeply? Why is it that my friends in the BJP are terrified, the ministers are terrified, the farmers of India are terrified, workers, youngsters? इसके बारे में मैंने सोचा, काफी सोचा, और एक जवाब मैं प्रपोज करता हूं आज। स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को, छह लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। छह चक्रव्यूह में फंसा कर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा कर, ट्रैप कर छह लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर,
वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं, आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है, आपने क्या आप उसकी पालना करना चाहते हो? गलत। मैं माननीय एक मिनट सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा और मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूँ। आप चाहे नहीं करें पर मैं अपेक्षा करता हूँ। नहीं सर, मैं अगर आप चाहते हैं सर मैं एनएसए का और अदानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूँ। फिर माननीय सदस्य अगर आप चाहते हैं सर, प्लीज मैं नहीं चाहता, सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। सर अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूँ। नो सर, मैं तीन ही नाम यूज करूँ। नहीं माननीय सदस्य, नहीं नहीं कहा, और आप स्पीकर सर द चक्रव्यूह दैट हैज कैप्चर्ड इंडिया हैज 3 फोर्सेस बिहाइंड इट। फर्स्ट इज द आइडिया ऑफ मोनोपोली कैपिटल, दैट 2 पीपल शुड बी अलाउड टू ओन द इंटायर इंडियन वेल्थ। So one element of the Chakravyuh is coming from the concentration of financial power. The second element, sir, मैं budget को explain कर रहा हूँ sir, मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ sir. So one element is financial power. The second element is the institutions, the agencies, CBI, ED, Income Tax Department of this nation. And the third is the political executive. Speaker sir, these 3 together are at the heart of the Chakravyuh. And they have devastated this country. Speaker sir, my expectation was that this budget would weaken the power of this Chakravyuh. That this budget would help the farmers of this country, would help the youth of this country, would help the laborers, the small businesses of this country. But what I have seen is that this budget, the sole aim of this budget, iski jo niyat hai, it is to strengthen this framework, the framework of big business, monopoly business, the framework of a political monopoly that destroys the democratic structure, and finally the framework of what one can call the deep state or the agencies. And the result of this has been the first
पहला काम इस चक्रव्यूह ने क्या क्या किया, जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, जीएसटी और टैक्स टेररिज्म।